द्विविध काल की विशेषताएं पढ़ रहे थे हम, द्विविध काल के साहित्य की विशेषताएं। एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, ये पूरे युग की विशेषताएं जब बताई जाती है तो उसमें इंडिविजुअली रचनाकार की एक दो विशेषताएं तो होती ही होती है, लेकिन इस चीज को लिंक न करें वहां से कि ये सारी की सारी विशेषताएं इस समय के हर एक रचनाकार में मौजूद रही हो। कई बार कुछ चीजें जो है वो पर्टिकुलर किसी रचनाकार में नहीं होती है, उसका अपना एक रवैया होता है, उसका अपना एक जो है एक फील्ड होता है जिसमें वो लिखता है, और उसका एक जोन होता है जिसमें वो रचना कार्य करता है। तो कुछ कुछ विशेषताएं आप देखेंगे कॉमन रूप से सभी में मौजूद रहती हैं, लेकिन कुछ विशेष रचनाकार ऐसे होते हैं, क्योंकि रचनाकार अपने आप में विशिष्ट होता है, वो मौलिक कार्य करता है, और मौलिक कार्य हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा, उसकी विशेषताएं जो होती है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर सकती है, प्लॉट मैच कर सकता है, उस पर बना हुआ मकान मैच करे ना करे, अगर वो मौलिक रचना है मकान एक तरीके से तो वो कभी मैच नहीं करेगा, अगर वो कॉपी है तो जरूर मैच कर सकता है। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। ये समूची विशेषताएं हैं, युग विशेष की रचना, कालखंड विशेष की कुछ विशेषताएं जो सभी रचनाकारों में एक दो हर एक में मौजूद रहती है, कॉमन रूप से ली गई विशेषताएं होती है। चलिए अगली विशेषता जो है द्विविध काल की वो है इतिवृत्तात्मकता। कल हमने पढ़ा था प्रकृति चित्रण, और प्रकृति चित्रण में द्विविध काल की कविता जो है भारतेंदु युग के प्रकृति चित्रण का अगला स्टेप है। लगभग सारी चीजों में भारतेंदु काल का अगला स्टेप है कविता के क्षेत्र में। और एक चीज और ध्यान में रखना, यहां हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो ज्यादातर जो है काव्य के क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, कथा साहित्य को हम इंडिविजुअली अलग पढ़ेंगे क्योंकि उसका विभाजन उसका वर्गीकरण अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र आपको मिल जाएंगे कि द्विविध युग का साहित्य जो है कथा साहित्य जो है वो किस धारा में बहा है, भारतेंदु युग का कथा साहित्य कैसा रहा है। कुछ कुछ विशेषताएं कुछ कुछ सूत्र आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। हम कथा साहित्य को इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे, कहानी का विकास उसकी विकास यात्रा उपन्यास आलोचना निबंध वगैरह वगैरह जो भी कथा साहित्य की रचनाएं हैं कथेतर और कथा साहित्य की रचनाएं वो सब अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक कि नाटक भी, ये सिर्फ कविता के बारे में बात कर रहे हैं हम। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ पहले तो आपको अच्छे से समझना है, हालांकि ये शब्द जो है पहले आया है और इसके बारे में काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। वृत्त किसका? समय का वृत्त। और समय के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? अभी जो टाइम प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा होता है ना, जैसे ये वृत्त की परिधि पर कुछ चीज जो है वो अपनी क्या कह सकते हैं घूर्णन कर रही है, घूम रही है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जो अभी चल रहा है वो वर्तमान है, और जो बीत गया है वो भूतकाल है। आने वाला ये जो पॉइंट आगे आने वाले समय में जहां जाएगा वो इस पॉइंट का वर्तमान है। इतिवृत्त जो बीत चुका है उसका कलात्मकता के साथ में चित्रण, जो बीत चुका है जो घटित हो चुका है उसका कलात्मकता के साथ चित्रण करना, यही साहित्य में इतिवृत्तात्मकता कहलाती है। सबसे सिंपल तरीका तो ये है, हम क्या करते हैं मनोरंजन के लिए या फिर अपने इतिहास को अच्छे से समझने के लिए इतिवृत्तात्मकता का सहारा लेते हैं, क्योंकि इतिहास की घटनाएं भी हमें जो है भविष्य में सीख देती है, फलाने राजा ने ऐसा किया, फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया और उसका परिणाम उसको इस तरीके से भुगतना पड़ा। हमारे साथ भविष्य निकट भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं अपने इतिहास से अतीत से या लोगों के इतिहास से उनके अतीत से हम सूत्र ग्रहण करते हैं शिक्षा के। और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि जो चीज घटित हुई है उसकी हम अगर पुनरावृत्ति करते हैं उसमें अगर कोई दोष होता है एक वैसे ही परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया लगभग समान होती है, एग्जैक्ट एक जैसी नहीं होती है लेकिन लगभग समान होती है।
जैसे हम नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा के बाद परिणाम कैसा रहेगा, लगभग सभी के यहाँ पर एक जैसा होता, लेकिन लेकिन उनमें से कोई एक आधा ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एग्जाम में ना पढ़े और उसका परीक्षा का परिणाम जो है वो पॉजिटिव आए, एक परीक्षा में नहीं पढ़े। जैसे अभी आपने मान लीजिए डीएसएसबी की तैयारी की, नेक्स्ट केवीएस की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप नहीं पढ़ते हैं कोई भी कारण से और सीधा जाके पेपर पेपर अटेंड करते हैं और आपका वो पेपर बहुत अच्छा जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि आपने इससे तुरंत पहले ही पढ़ाई की है अच्छे से। तो कई बार ये इम्पेक्ट भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अमूमन इतिहास की घटनाओं की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, लेकिन 100% नहीं होती है। इस चीज को भी अच्छे से दिमाग में बिठाना। तो जनरली क्या होता है, इतिहास की घटनाओं को या फिर हम संस्कृत की परंपरा से आते हैं हिंदी के विद्यार्थी और हिंदी के रचनाकार सारे के सारे, तो संस्कृत की परंपरा में आख्यान नाम की एक चीज होती है, एक तरीके का कलात्मक तथ्य जिसको किसी रचनाकार ने अपनी कल्पना शक्ति से विकसित किया है, वो आख्यान कहलाता है। जैसे आप इसी को राजस्थानी में समझेंगे, इसी को अगर हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में ये कहलाती है गल्प और राजस्थानी में ये कहलाती है गप। जनरली ये वर्ड जो है आप सुनते होंगे, गप। गप का मतलब काल्पनिक कुछ भी, आख्यान। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% चीजें जो है काल्पनिक ही होती है, उसमें कुछ न कुछ तो हकीकत होती है, कुछ न कुछ वास्तविकता से जुड़ा हुआ इनपुट होता है उसमें। आख्यान की परंपरा गल्प, जो हिंदी की परंपरा में जो गल्प कहलाता है, उससे पुरानी परंपरा है और गल्प में कल्पनाओं का मिश्रण अधिक होने लगा था, आख्यान में कल्पनाओं का मिश्रण इतिहास के साथ होता था, इतिहास सम्मत होता था, ये कह दीजिए ज्यादा सही रहेगा। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में कल्पना का मिश्रण, और तथ्य कभी झूठे नहीं होते, तथ्य हमेशा सच होते हैं, तथ्य हमेशा वैसे ही परोसे जाने चाहिए जैसे कि घटित हुए। तो घटना जो घटित हुई है एज इट इज, उसके साथ में कुछ कल्पनाओं का मिश्रण करके कोई कथानक तैयार करना, कोई तथ्य तैयार करना और उस पर आधारित कथा वस्तु प्रस्तुत करना आख्यान कहलाता था संस्कृत की परंपरा में। हिंदी में आकर के ये गल्प बन गया। कविताओं में अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होने लगा, कुछ ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बना करके, कुछ ऐतिहासिक कथानकों को आधार बना करके, उनमें नवीनता डालते हुए उसका वर्णन किया, उसको विस्तार दिया, उसकी व्याख्या की, उसका पल्लवन किया। एक तरीके का भाव विस्तार था, वो एक छोटी सी बात का भाव विस्तार था। जैसे उदाहरण के लिए बुद्ध का ग्रह त्याग करके वन मार्ग को जाना, वन को जाना, इतना सा तथ्य है, लेकिन उसको भी विस्तार दे करके, उसकी भी भाव व्याख्या करके एक प्रबंध काव्य तैयार कर देना। यहां पर क्या किया है, रचनाकार ने एक ऐतिहासिक तथ्य को उठाया है। 100% सच है कि बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, इतिहास ऐसा कहता है, तथ्य ऐसे कहते हैं। उस तथ्य के साथ में कल्पना डाल देना, उस तथ्य के साथ में कल्पना का समाहार कर देना, यही इतिवृत्तात्मकता है। अच्छे से समझने के लिए, कल्पनाओं के साथ इतिहास का मिश्रण इतिवृत्तात्मकता है। आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विविध युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। दो चीजें जो पहले से साहित्य में घर कर चुकी है, स्थान बना चुकी है, उन चीजों को आगे बढ़ाना है, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ में। एक तो बौद्धिकता। बौद्धिकता क्या, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ चिंतन कर सकता है, श्रेष्ठ मनन कर सकता है और उस मनन के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई विचार समाज को देता है अपने साहित्य के माध्यम से। अब वो विचार विस्तार से हो सकता है, वो विचार संक्षेप में हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कोट्स यूज करते हैं, कभी महात्मा गांधी के, कभी सुभाष चंद्र बोस के, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी विवेकानंद के, वो क्या है, उनकी बौद्धिकता के परिचायक है। एक तरीके से कहीं
कई बार तो ऐसा लगता है कि उस एक कोट में ही, उस एक कथन में ही एक बहुत बड़ा प्रबंध काव्य छिपा हुआ है। ये उनकी बौद्धिकता की निशानी है, वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात और ऐसी बात जिसका भाव विस्तार आराम से किया जा सकता है, ये बौद्धिकता कहलाती है। यहां पर विचार प्रधान होते हैं, क्योंकि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देने के पीछे विचारों की शक्ति जो है आपकी तगड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आपकी चिंतन और मनन शक्ति जो है जितनी प्रगाढ़ और जितनी विस्तृत होगी, उतने ही कम शब्दों में आप अभिव्यक्ति कर पाएंगे। ये बौद्धिकता की निशानी मानी जाती है। जब इसके अंदर आप भावों को जोड़ते हैं, और जनरल सी बात है, जब आप भावों को जोड़ते हैं तो वहां पर कल्पनाओं का समाहार होता है, वहां पर कल्पनाएं मिलती है। तो बौद्धिकता के साथ में कल्पनाओं का समाहार करके इस तरीके से सुंदर चित्रण करना, इस तरीके से अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाना कि पाठक उस पे पूरी तरीके से विश्वास कर सके, पाठकों को ऐसा लगे कि ये सच में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उसने एक तथ्य जोड़ा है, तथ्य के साथ में उसने चार कल्पनाएं शामिल कर दी। अब उसका ये तथ्य जो है, वो तथ्य इन कल्पनाओं को ढो रहा है, या कल्पनाओं को आगे बढ़ा रहा है, कल्पनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, और पाठक जो है उसमें यकीन करने लगता है। ये इतिवृत्तात्मक आदर्शवाद, आपको पता होगा भारतेंदु काल के साहित्य में आदर्शवादी दृष्टिकोण यथार्थवाद की अपेक्षा कहीं ज्यादा था, जो धीरे 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 करके द्विवेद युग में कम होता है। 1918 तक हम द्विवेद युग को मानते हैं, 1918 तक आप जनरल सी बात है प्रेमचंद, जिन्होंने बहुत अच्छे से भारतीय समाज का, मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, कुलीन वर्ग का, हर वर्ग को अपने साहित्य में प्रतिनिधित्व देते हुए चित्रण किया है। जब आप प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं 1918 तक का, उनके शुरुआती साहित्य से 1918 तक का, तो उनके हर एक कहानी में आपको जो है ना एक अलग तेवर देखने को मिलता है। रीजन क्या है, वो आदर्शवादिता से धीरे धीरे करके यथार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्मुख हो रहे हैं, यथार्थ की तरफ बढ़ता हुआ उनका आदर्शवाद है। आदर्शवाद का पुट आपको दिखाई देगा, 1918 तक खत्म नहीं होता है, उनके अंतिम जो रचना है ना वहां पर आदर्शवाद एक तरीके से ढह जाता है, वहां पर यथार्थवाद हावी हो जाता है, वहां पर यथार्थवाद ज्यादा है, आदर्शवाद का तनिक मात्र पुट है। वो संस्कृति की गरिमा को बचाए रखने के लिए, वो हमारी सभ्यता की गरिमा को बचाए रखने के लिए, वो मानवीयता की गरिमा को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत आदर्शवाद जैसी चीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटे में नमक का मिश्रण किया जाता है, ठीक वैसे ही, ताकि लिटरेचर का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन यथार्थ को सामने रखते हैं। उनका आटा जैसा भी है, उस आटे में नमक डाल के वो रोटी गूंथने का प्रयास कर। इस काल में आदर्शवाद भी है, बौद्धिकता भी है। लोग इस समय जो रचनाकार है, वो नए विचारों, नई दृष्टि जो है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में। इसलिए भारतेंदु काल का ये अगला स्टेप है। भारतेंदु काल में आधुनिकता का समावेश होता है, आधुनिकता उतरती है, पहली पहली दफा दिखाई देती है, और उसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में आदर्शवाद, सॉरी आधुनिकता जो स्थान बनाती है, और द्विवेदी काल में इसका अगला स्टेप आता है, द्वितीय उत्थान है, इसी वजह से नई धारा का द्वितीय उत्थान। निर्मला जो है वो 1927 में आई थी हाँ पब्लिश में, लेकिन हाँ उसमें तो दोनों ही चीजें हैं, हाँ यथार्थ और आदर्श। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रेमचंद का साहित्य ना धीरे धीरे बढ़ता आगे, अचानक से कोई व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता है, तो धीरे धीरे उसमें जब उसको चिंतन मनन के द्वारा, अपनी बौद्धिकता के द्वारा जब वो पता लगाता है कि इसमें खोट कहाँ है, इसमें कमी कहाँ है, तो फिर वो उस विचारधारा को धीरे धीरे क्या करता है, ये उस विचारधारा के एक एक अंग को जांचता है, परखता है, जिसमें उसे खोट लगती है उसको वो डिस्ट्रॉय करता जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप 5 जोड़ी नए कपड़े लाए, और उन 5 जोड़ी में एक आपका शर्ट ऐसा है जिसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ मिस्टेक है,
आप पहले दिन से उसको पहनना बंद कर देते? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो कुछ दिन पहनते हैं और फिर हाँ यथार्थ की तरफ बढ़ रहा है, यथार्थ की तरफ उन्मुख आदर्शवाद, यही तो मैंने कहा पहले थोड़ी देर पहले। आप कुछ दिन पहनते हैं उसको, फिर जब वो आपके थोड़ा बहुत टाइट होने लगता है या उसका कलर फेड होने लगता है, तब आप कम पहनना पसंद करते हैं उसको, धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ते हैं। उसमें जो आपको पहला एक फॉल्ट दिखा था ना, उस फॉल्ट की वजह से उसके प्रति आपके मन में संशय खड़ा रहता है हर समय, उस शर्ट को पहनने पर क्वेश्चन मार्क आपके लगा रहता है कि मैं इसको पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि इसमें ये फॉल्ट तो है, लेकिन कई बार आप मन मार के पहन लेते हैं उसको। ठीक वैसे ही आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रेमचंद को जरूर अखरता होगा, उन्हें लगता होगा कि यहाँ यहाँ मिस्टेक है इसमें, इस बात में पूरी तरीके से शुद्धता नहीं है, पूरी तरीके से ठीक लागू नहीं होती समाज पे। लेकिन चलो जब अपना लिया है तो कुछ दिन के लिए इसको देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं संभव है कि नहीं है। और जब धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि नहीं ये तो कलर भी फेड कर रहा है, इसमें तो बटन भी ठीक नहीं है, बटन भी अब ढीले पड़ गए, या जो है ये थोड़ा टाइट भी हो गया शर्ट, अब चलो इसको किनारे कर देते हैं, तब वो एक नई चीज अपनाता है, तब वो एक नया शर्ट खरीदता है। ये धीरे धीरे होता है, शने शने, अचानक से नहीं होता ऐसा। इसको एक पुरानी बुक के हिसाब से समझ लीजिए और इजी हो जाएगा। एक पन्ना उसमें से फट गया तो आप उसको फेंकेंगे थोड़ी कि अरे एक पन्ना इसमें से गायब हो गया है, चलो इसको किनारे करो। उसको कुछ दिन चलाते हो क्योंकि उसमें आपने नोट्स डाल रखे हैं, क्योंकि उसमें आपने पॉइंट्स लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। जब पूरी तरीके से वो छिन्न भिन्न हो जाती है तब आप उस किताब को रिप्लेस करते हैं। फिर भी उसमें से आप अच्छी चीजों को निकाल के अपने पास रख लेते हैं, ये भी ध्यान में रखें। क्लियर? एक कल परसों एक क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया किसने भेजा था। करेक्ट, परसों एक क्वेश्चन था भाषा के संस्कार को लेकर के। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है अभी मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं याद आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था भाव रूप में कि द्विवेद युग में गद्य और पद्य की भाषा के सॉरी किस भाषा रूप को संस्कार मिले थे, और ऑप्शन में था गद्य पद्य दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आप बताइए क्या भारतेंदु युग था, किसी ने पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्वेश्चन की लैंग्वेज, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। भारतेंदु युग था, चलो भारतेंदु युग मान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी सोच के रखिएगा ना, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे इसको ग्रुप में। इस युग के अधिकांश कवि एक ओर तो प्राचीन ग्रंथों की महिमा, प्रेम की महिमा और व्यक्ति के गुण दोष, पुनेन, मच्छर, खटमल आदि शीर्षकों से रचनाएं कर रहे थे, वस्तु वर्णन प्रधान रचनाएं कर रहे थे ना, छोटे स्तर की रचनाएं कर रहे थे, आधुनिक चीजों वाली रचनाएं कर रहे थे, जो चीजें लोग नहीं जानते थे, जैसे ये नई चीज थी उस समय है ना, इसको लोग नहीं जानते थे, ये सारी चीजें कि एक मच्छर भी इतना घातक हो सकता है लोग नहीं जानते थे। इतनी छोटी छोटी और सूक्ष्म चीजों पर कवि क्या कर रहे थे, रचनाएं कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये आधुनिकता की निशानियां हैं कि काव्य ने इन विषयों को अपना लिया है, ये इनकी इनकी बौद्धिकता का परिचायक है, क्योंकि अगर इन चीजों को ये लोग नहीं अपनाते या इन चीजों की व्याख्या नहीं करते तो संभवतः आधुनिकता जैसी चीज पीछे छूट जाती। उसे इस काल के कवि को बराबर कदम से कदम मिला के चलना आधुनिकता के साथ, जो कुछ भी हो रहा है विज्ञान में हो रहा है, तकनीक में हो रहा है, हर एक नई चीज को वो अपने साहित्य में स्थान दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसे अपना विषय बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अभी तो आधुनिकता है। आधुनिकता को अगले स्टेप पर ले जाना है उसको, ये एक चुनौती है उसके लिए, इसलिए वो ऐसे विषयों पर भी रचनाएं कर रहा है जो छोटे छोटे हैं, जिनकी तरफ कम लोगों का ध्यान जाता, आम आदमी आम व्यक्ति जो है उनकी तरफ नहीं सोच पाता है। जैसे हम में से कितने लोग जो है वो रोबोटिक्स या रोबोट की संरचना प्रणाली को जानते हैं, समझते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में कितने लोग अभी बात करेंगे, कितनी कविताएं आपको हिंदी में देखने को मिलती है,
कितने निबंध, कितनी रचनाएं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आपको देखने को मिलती है। वायरस के नए नए रूप, वायरस के तरीके काम करने के, इन पे आपको हिंदी में कितनी रचनाएं देखने को मिलती है, बहुत कम। अगर इनको हम पीछे छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है, हम आधुनिकता का सिर्फ एक नकली आवरण ओढ़े हुए आगे चल रहे हैं, हम हकीकत में आधुनिकता से आंख नहीं मिला रहे हैं, बल्कि मुंह नीचा करके बस उसके पास से गुजर रहे हैं। कोई कोई ना कोई तो इसके बारे में लिखेगा, कोई ना कोई इसके बारे में बता देगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बताने की। एक तरफ तो प्राचीन ग्रंथों के महिमा का बखान कर रहे हैं, प्राचीन कथानकों पर रचनाएं कर रहे हैं, जितनी भी प्रबंधात्मक काव्य कृतियां हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, पुराने आख्यानों को उठाकर लिखी गई है, इतिहास की सामग्री को उठा करके, इतिहास के कथानकों को उठा करके, ऐतिहासिक चरित्रों को उठा करके कहानियां लिखी गई है, कविताएं लिखी गई है। मूलभूत जो हमारे आदर्शवादी तत्व है समाज के विकास के लिए या समाज की अवधारणा के लिए, उन तत्वों पर आधारित, जैसे प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सारी चीजें जो मूलभूत है ना, जो एक आदर्शवादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। अब रखो ना रखो, लेकिन उसके बारे में बात करो, प्रेम के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में, ममता के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करो। और अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप प्राचीनता में विश्वास करते हैं, आप मूल प्रवृत्तियों में विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक तौर पर छोटे छोटे ऐसी चीजें जिनके बारे में लोग कम जानते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप में ऐसे गुणों का समावेश है, आपकी बुद्धि में ऐसे गुणों का समावेश है जिसमें आधुनिकता और नवीनता को दोनों, सॉरी, पौराणिकता और आधुनिकता को, दोनों को आप अपने विचारों में जगह दे रहे हैं, उनको, उनकी क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है, उसमें से जो सही है वो आगे बढ़ाना है, उसकी तरफ आपका इशारा होना चाहिए कि हाँ, इस वाली चीज को आप खरीद सकते हो, इस वाली चीज को आप ले सकते हो, इस वाली चीज को आप अपने जीवन आधार बना सकते हो, और इन चीजों को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है, इनको इनको बाद में समझेंगे या इन पे बाद में बात करेंगे। तो एक ऐसा दृष्टिकोण जो है जन के बीच में कवि, इस काल का कवि जो है वो देने की कोशिश कर रहा है, क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना है, पौराणिकता क्यों अपनानी है, पौराणिकता की कौन सी बातें, प्राचीनता की कौन सी बातें जो है वो हमें एक मजबूत आधार दे सकती है, इस समय हमारे लिए कौन सी चीजें काम की है, जैसे एकता की भावना, प्रेम की महिमा, व्यक्ति की जो व्यक्तित्व के मूलभूत गुण हैं, सच्चाई, ईमानदारी, सच के रास्ते पे चलना, इन चीजों को अपनाओ, और दूसरी तरफ नवीनता की बोध वाली चीजें जो है उनको भी वो इस काल की रचनाओं में अपना वर्ण्य विषय बनाता है। जैसे पुराने लोग मानते थे कि समुद्र की यात्रा करना अपने आप में पाप है, लेकिन इस काल के कवि क्या कहते हैं, नहीं, ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ऐसा करना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। अब वापस वही चीज, पुरानी चीज, उसको नए संदर्भों में प्रस्तुत किया जा रहा है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, पुराने लोगों ने क्यों ये ऐसा कहा कि समुद्र की यात्रा करने से पाप लगता है, उस मत का खंडन कैसे करें और उसकी जगह पर किस चीज का मंडन करें, एक नया दृष्टिकोण देना इस काल के कवियों की पहली जो है विशेषता रही है, और इसके लिए उन्हें आदर्शवाद और बौद्धिकता का मिला जुला रूप इस्तेमाल करना पड़ा, आदर्शवाद और बौद्धिकता के मिले जुले तत्व इस्तेमाल करने पड़े, और इसी वजह से इस काल के साहित्यकारों में इति वृत्तात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा रचनाकार रहा हो, चाहे वो कितना भी छोटा रचनाकार रहा हो, हर रचनाकार में जो है ये द्वंद्व देखने को मिला, आधुनिकता अपनाए कि पौराणिकता अपनाए, आधुनिकता क्यों नहीं अपनाए और पौराणिकता क्यों नहीं अपनाए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं किस चीज को अच्छा बताऊं किस चीज को बुरा बताऊं, इस चीज को बुरा बता रहा हूं इसके पीछे तर्क क्या है, बौद्धिकता के साथ वो पुरानी बातों को फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से कह रहा है, लेकिन उसको तर्क की कसौटी पर कस करके, और उन बातों को लोगों को समझाना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, खुद समझ ले वो एक अलग बात है, लोगों को समझाना कि दहेज प्रथा खराब है, लोगों को समझाना कि समुद्र की यात्रा से पाप नहीं होता है, लोगों को समझाना कि बाल विवाह गलत है, लोगों को समझाना कि सती प्रथा गलत है, क्योंकि ये
हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। अब समझाएं कैसे, इसके लिए वो क्या करता है, एक ऐसा कथानक तैयार करता है, इस तरीके की कथा वस्तु की योजना बनाता है जिसमें उसको इतिहास, वर्तमान और कल्पनाओं का समाहार, इन तीनों चीजों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन तैयार करता है और उसको वो अपनी रचना में प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखता है ताकि लोग जो है विश्वास कर सके, क्योंकि लोग इतिहास और तथ्यों में विश्वास करते हैं, उनको झूठ नहीं मान सकते। तो दूसरी तरफ जितने भी प्राचीन आख्यान थे उन आख्यानों को उठा करके नए रूप में नवीनता का पुट दे करके प्रस्तुत किया जा रहा था इस काल के कवियों के द्वारा। समस्या क्या रही, अगर एक रचनाकार ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्य को इस्तेमाल करता है, आख्यान की कथा वस्तु को उठाता है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में ज्यादा ही उलझ जाता है तो उसकी रचना क्या हो जाती है, नीरस हो जाती है। आपने कोई ऐतिहासिक तथ्य को उठाया कि फलाने फलाने राजा के बीच युद्ध हुआ था और उसको आप जो है वर्तमान की चुनौतियां वर्तमान की समस्याओं से मैच करते हुए लिखने की कोशिश करते हैं, अगर आप में उतनी प्रतिभा नहीं है, अगर आप ठीक ढंग से वो कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर सकते हैं इतिहास वर्तमान और कलात्मकता का कल्पना का, तो वो आपकी रचना फ्लॉप हो जाएगी, तो आपकी रचना नीरस साबित होगी। रीजन, आप तीनों में से कोई एक या दो में उलझ के रह जाते हैं, इसके लिए काफी अच्छी जो है कवित्व शक्ति चाहिए, प्रतिभा चाहिए। तो ये दिक्कत देखने को मिली द्विवेदी काल के कवियों में कि वो प्राचीन आख्यानों को नई पुट देकर के नया रूप रंग देकर के प्रस्तुत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें से कुछ हद तक उनको सफलता मिलती है, ज्यादातर रचनाएं जो है वो नीरस साबित हो जाती है। कुछ बड़े कवि जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को इसमें काफी सफलता मिलती है, इसके अतिरिक्त गुप्त जी को इसमें काफी सफलता मिलती है, लेकिन अन्य जो रचनाकार है उन्होंने भी काफी कोशिशें की लेकिन वो सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाए जो गुप्त और हरिऔध को मिली है। उनकी रचनाएं या तो व्यंग्यात्मक होकर के रह गई है या फिर उसमें वर्तमान की वो जो पुट देना चाहते थे वो पुट हावी हो जाते हैं और ऐसे में पौराणिक बातों को या पुरानी जो चीजें हैं उनको धूमिल कर देते हैं, उनकी छवि खराब कर देते हैं और वो विश्वास जो पाठक का जीतना चाहिए वो जीत नहीं पाते। ऐसे में उनकी रचना जो है वो अपने जिस उद्देश्य को लेकर के चलती है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाती, उसका कोई प्रभाव उसका कोई इम्पैक्ट समाज पर देखने को लोगों पर देखने को नहीं मिलता है। तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन तगड़े तरीके से करके प्रस्तुत किया जाए तब वो अच्छा बनता है। जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों को लीजिए, मूल्य पुराने उठाए उन्होंने, वर्तमान संदर्भों से उसको कनेक्ट किया है, लैंग्वेज और अपनी बात कहने की कला उसमें कल्पनाओं का इस तरीके से मिश्रण किया है उसमें हकीकत और कल्पना में आप कोई अंतर नहीं कर पाते, ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन किया, एक ऐसा अच्छा पेस्ट तैयार किया उस रचना का कि हर व्यक्ति को वो अच्छी लगती पढ़ते हुए, एक बौद्धिक व्यक्ति को भी अच्छी लगती है, एक साधारण बुद्धि वाले को भी अच्छी लगती है और एक निम्न बुद्धि वाला भी उसको पढ़ करके कुछ न कुछ सीख लेता है। ये कॉम्बिनेशन इन कविताओं में भी चाहिए था जो पौराणिक आख्यानों के आधार पर लिखी गई जिसमें इतिवृत्तात्मकता का सहारा लिया गया, लेकिन अधिकांश कवि इसमें ठीक ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, कोई एक विचारधारा या तो पौराणिकता पर या फिर आधुनिकता पर, इन दोनों के बीच में फंसकर रह जाते, ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक ढंग से जो है पाठकों पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते, ठीक ढंग से पाठकों का जो विश्वास है वो जीत नहीं पाते, इसी वजह से उनकी रचनाएं नीरस बन जाती। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस काव्य में नीरसता और शुष्कता है, कल्पना और अनुभूति की गहराई भी कम है, रसात्मकता और कोमलकांत पदावली का उसमें अभाव आता है। वो अपने आप को जो है थोड़ा सा बौद्धिक बताने की कोशिश करता है या दिखाने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि वो कवि है, अपने आप को विशिष्ट समझने लगता है, वो थोपना चाहता है कई बार, और जब बात थोपी जाती है साहित्य के माध्यम से तो वो इतना प्रभावकारी
नहीं होती है। जैसे वो कविता आपने पढ़ी होगी, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी हो गई, भाषा के चक्कर में बात मर जाती है, उस बात की चूड़ी मर जाती है, बात की कसावट खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से जो कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए था वो ठीक ढंग से जब नहीं हुआ, इस वजह से इस काल की कुछ रचनाएं जो है वो सही साबित नहीं कर पाई अपने आप को, नीरस साबित हो गई, जिसमें आप जो है पाठक को जोड़ नहीं पाए रचना के साथ में। ऐसा ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छी रचनाएं भी देखने को मिली है जिन्होंने इस काल की भाषा को जो है आगे की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। ऐसे में गुप्त जी और हरिऔध जी के नाम प्रमुख है। इसके अलावा अगर अनूदित रचनाओं में देखा जाए तो वही कथानक तो पुराना ही उठाया गया है, उसका अनुवाद किया गया है, और कई बार भाषा अनुवाद की जगह पर कुछ रचनाकारों ने भावानुवाद किया है। तो भावानुवाद जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता था पाठकों को, रचनाकार की वो जो प्रस्तुति है वो थोड़ी सी अच्छी लगती थी, इस वजह से पाठक जो है जुड़ने लगा था। और जब पाठक जुड़ने लगा था तो इसका एक और प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे करके हिंदी के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम बढ़ने लगा। तो द्विवेदी काल के रचनाकारों ने भले ही वो इतिवृत्तात्मकता का साहित्य उनका जो पौराणिक आख्यानों के आधार पर था या फिर पुरानी कहानियों के आधार पर था या ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखा गया था, वो भले ही नीरस साबित हुआ लेकिन पाठकों को जोड़ने में उसने भरपूर सहायता की। नेक्स्ट है स्वजन स्वच्छंदतावाद। आपने इस काल में एक रचनाकार का नाम बार बार सुना होगा जो इस स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई नाम बताएगा कौन थे वो? श्रीधर पाठक सर, करेक्ट, श्रीधर पाठक। श्रीधर यस करेक्ट। पाठक जी ऐसे रचनाकार है द्विवेद युग के जिनके भीतर स्वच्छंदता की प्रवृत्ति साफ साफ दिखाई देती है, और इनको ध्यान से सुनना, इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। खड़ी बोली हिंदी का, ठीक है, रीतिकाल के स्वच्छंदतावादी कवि अलग है, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। प्रवृत्तियां स्वच्छंदतावाद की वही है लेकिन भाषा का फेर अलग है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इनको अलग से याद रखना। करेक्ट, और ऐसी बात नहीं है, रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में लिखी है रचनाएं, श्रीधर पाठक ने भी ब्रज और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं लिखी। जैसे उनकी कश्मीर सुषमा जो है वो ब्रज भाषा में है, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में है। इसके अलावा खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी है श्रीधर पाठक ने। स्वच्छंदतावाद का एक तरीके से जो है उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में प्रणयन किया था। उनका भारत गीत, उनका एक और रचना है गुणवंत हेमंत, ये रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो खड़ी बोली हिंदी की है। क्या स्वच्छंदतावाद पुरानी रूढ़ियों को तोड़ कर नई शैलियों में नए काव्य के विषयों को लेकर के साहित्य सृजना की प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद कहा है। ये परिभाषा आप रीतिकाल में भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वच्छंदतावाद शब्द की व्याख्या करती है। जो भी रूढ़ियां चल रही है, जो भी पुरानी तकनीक चल रही है साहित्य लिखने की, जो टेक्निक यूज करते आ रहे हैं दूसरे कवि, उन शैलियों को छोड़ करके अपनी तरह की शैली का विकास करना और उस नई शैली में नए काव्य विषयों को लेकर के आना, ये प्रवृत्ति स्वच्छंदतावाद कहलाती, स्वच्छंदता कहलाती। पाठक जी ने भी शुरू जब की रचनाएं तो वो ब्रज भाषा में करते हैं और पुरानी पद्धति के छंदों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उनका झुकाव जो है पश्चिमी साहित्य की तरफ जाता है और पश्चिम के साहित्य के कुछ गुण जो है उनके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो एक तरीके से भारतीय साहित्य में और विशेष करके खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में नए थे, बिल्कुल नए थे। उनके विषय छोटे छोटे संक्षिप्त विषय, जैसे उन्होंने कोई फूल देखा
ऐसा फूल जो गुमनाम है उस पर उन्होंने रचना कर डाली। उन्होंने गांव की कोई युवती देखी और वो कभी काव्य का विषय नहीं बनी, उस पर उन्होंने रचना कर डाली। उन्होंने बैलों की जोड़ी देखी हल चलाते हुए, उस पर रचना की, वो एक नई दृष्टि दे रहा जो है साहित्य को दे डाली। इस तरीके के संक्षिप्त और नए विषयों को लेकर के पाठक जी ने रचनाएं की। बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी है अंग्रेजी की जिनका अनुवाद उन्होंने, हाँ करेक्ट, वही छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने रचनाएं की, जिन जिन विषयों पर या जिन चीजों की तरफ कवि का ध्यान कभी गया ही नहीं, उनमें वो कवित्व शक्ति के द्वारा एक तरीके से चेतना भरते हुए, एक तरीके से उनको अपना वर्ण्य विषय बनाते हुए अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। ये नयापन था पाठक जी में। कई ऐसी रचनाएं जो पाश्चात्य भाषाओं की थी उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। अनुवाद के क्षेत्र में भी आगे हम पढ़ेंगे। श्रीधर पाठक का नाम अपने आप में विशेष है। हिंदी में स्वतंत्रतावादी काव्य का पूरा विकास छायावादी युग में हुआ, परंतु द्विवेद युग में श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी ने स्वतंत्रतावादी प्रवृत्तियां आप देख सकते हैं, और त्रिपाठी जी इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। आपको पता होगा राम नरेश त्रिपाठी का जो एक तरीके से व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा घुमक्कड़ टाइप का है, राहुल शंकर तेन जैसा है। तो कई पहाड़ी गांवों की यात्राएं करते थे, कई डेजर्ट इलाकों के गांवों की यात्राएं करते थे, लगातार घूमते फिरते रहते थे। लोक संस्कृति से उनका तगड़ा जुड़ाव था और इसी वजह से उन्होंने लोकगीतों का भी क्या किया है, संकलन करने की कोशिश की है, उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। पथिक, हाँ, उनकी रचना जो है उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं उनका मन कैसा है। पथिक का विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन पथिक से याद रह सकता है कि राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व तो कैसा था, एक पथिक की तरह जो लगातार अनवरत चलते रहते थे, घुमंतु प्राणी थे ये। जैसे राहुल जी घुमंतु थे ना, वैसे ही वो तो महाघुमक्कड़ थे राहुल शंकर तेन, तो लेकिन उन्हीं की तरह कह सकते हैं, घूम फिर करके ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों में थे, जैसे कबीर थे ठीक वैसे ही। और इसी वजह से जब व्यक्तित्व में घुमक्कड़पन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्वच्छंदता है, तो उसके साहित्य में आनी है, लाजमी सी बात। श्रीधर पाठक की रचनाएं जो है वो उनको प्रभावित करती है, और त्रिपाठी भी उन्हीं की तरह नए नए विषयों पर आधारित रचनाएं करते हैं, और इसी वजह से द्विवेदी काल के इन दो रचनाकारों के कवि में आप स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं, आपको दिखाई देगी। आगे चलकर के छायावादी युग में इस स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति का विकास होता है, एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। इसका आधार कहाँ से है, यहां से, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं से। प्रकृति चित्रण और नए विषयों को अपनाने के कारण रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को हिंदी का पहला स्वच्छंदतावादी कवि कहा है, थोड़ी देर पहले कहा था ये, हिंदी मतलब खड़ी बोली हिंदी का, ठीक है, और कहा भी किसने, आचार्य शुक्ल ने कहा है। और जब शुक्ल जी ने कह दिया तो उस पर तो क्वेश्चन मार्क कोई लगा ही नहीं सकता है, ऐसी धारणा थी सब लोगों की। प्रकृति चित्रण और नए विषयों को लेकर के जो दृष्टि श्रीधर पाठक की देखी जाती है खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में द्विवेद युग में, वैसी दृष्टि और किसी रचनाकार में खड़ी बोली में इससे पहले नहीं देखी गई। इस वजह से इनको पहला स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है खड़ी बोली हिंदी का। हालांकि उन्होंने ब्रजभाषा में भी खूब सारी रचनाएं की है, लेकिन बाद में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपना लिया, क्योंकि अपने आप में ये आधुनिकता को बहुत ज्यादा मायना देते थे, बहुत ज्यादा महत्व देते थे आधुनिकता को। इसी वजह से उन्होंने कई ऐसी रचनाएं जो विदेशी मूल की हैं उनका खड़ी बोली में और ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, फिर उसको भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। द्विवेद युग के रचनाकारों का भाषा संसार कैसा था, भाषा कैसी थी, आपको पता होगा भारतेंदु काल में, ये भाषा के संस्कार वाली बात है ठीक है, भारतेंदु काल में खड़ी बोली विकसित हो रही थी, जन्म ले चुकी थी। हालांकि खड़ी बोली का जन्म तो इससे पहले का है,
लेकिन अब वो एक भाषा की तरह पड़ रही थी, धीरे धीरे फैल रही थी। द्विवेदी काल में आकर के उसको अच्छे तरीके से गद्य भाषा में तो दर्जा मिल ही चुका था, पद्य भाषा में भी अच्छी खासी कोशिश चल रही थी, क्योंकि भारतेंदु काल में पद्य भाषा के तौर पे खड़ी बोली को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया था। भारतेंदु काल के रचनाकार यही मानते थे कि खड़ी बोली में कविता करना बड़ा टेढ़ा काम है, संभव नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा तो ब्रज भाषा में काव्य रचना करना है। और वो सरसता, वो जो छंद वैविध्य वगैरह, भाषा को उच्चारण, भाषा के उच्चारण क्षमता, वो सब कुछ खड़ी बोली में मौजूद नहीं है, जो आपको ब्रज भाषा और अवधी में देखने को मिलता है। द्विवेद युग में आकर के खड़ी बोली स्थापित हो चुकी थी, दोनों रूपों में, दोनों फॉर्मेट में खड़ी बोली का अच्छा इस्तेमाल होने लगा था। इसके अलावा जब बहुत सारी अनुवादित कृतियां इस समय तक आ चुकी थी जो खड़ी बोली हिंदी का पक्ष रखती थी, जो खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से एक परिवर्तन आया कि इस काल में खड़ी बोली का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। अब खड़ी बोली को लोग पसंद करने लगे थे, अब खड़ी बोली को सिर्फ पाठक ही नहीं बल्कि रचनाकार भी अपनी पहली पसंद मानने लगा था। अभी तक गद्य की और पद्य की भाषा में अंतर किया जा रहा था, अब वो अंतर जो है धीरे धीरे करके सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, आचार्य द्विवेदी जी के प्रयासों के माध्यम से वो अंतर खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। और जब 18 के बाद एक नए युग का आरंभ होता है, छायावादी कविता, छायावादी प्रवृत्तियों की कविता शुरू होती है, तब तो खड़ी बोली पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुकी होती है। एक शिकायत थी जो भारतेंदु काल के कवि अक्सर किया करते थे कि खड़ी बोली में रूखापन है, खड़ी बोली में वो सरसता नहीं है, रस नहीं है, आनंद की अनुभूति जो है खड़ी बोली में उतनी नहीं की जा सकती, या आनंद की अभिव्यक्ति खड़ी बोली में उतने अच्छे तरीके से नहीं की जा सकती जितने अच्छे तरीके से ब्रज भाषा में होती है। उस शिकायत को दूर किया, खड़ी बोली को सरस बनाने की कोशिश की गई, ऐसे शब्द बनाने की कोशिश की, ऐसे शब्द ग्रहण करने की कोशिश की गई, खड़ी बोली में स्थान देने की कोशिश की गई जिनमें जिनसे सरसता आए काव्य में। एक रूपता की बात की गई कि जो भी इस्तेमाल करे भाषा को उसमें एक रूपता का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आगे चल करके हमें इस भाषा को पूरे भारतवर्ष की भाषा बनाना है। उसका एक शुद्ध रूप धीरे धीरे करके सामने आने लगा। जैसे कोई चीज प्रोसेसिंग में जाती है तो पहले काफी अशुद्ध होती है, धीरे धीरे करके फाइनल स्टेप स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो एकदम शुद्ध हो चुकी होती है, उसका एक नया रूप, एक नया वर्जन देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही द्विवेदी काल में खड़ी बोली को अच्छे तरीके से शुद्ध किया गया, उसको वैसे एक, द्विवेदी युग जो है हाँ, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वो उनके प्रयासों के कारण हिंदी खड़ी बोली हिंदी को उन्होंने किस तरीके से विकसित किया, किस तरीके से स्टेबलाइज किया, किस तरीके से उसमें शुद्धिकरण किया, ये सब बात हम पहले एक क्लास में कर चुके हैं, शायद वो क्लास आपने मिस कर दी है या फिर वो टाइम आपने मिस कर दिया है, ठीक है उसको सर। तो देखना आपको। महावीर प्रसाद जी सीनियर थे हाँ, हजारी बाबा से। महावीर प्रसाद, करेक्ट। तो शुद्ध शुद्धता, एक रूपता और रूखापन जो था उसको दूर करने का प्रयास किया। अशुद्धता की बात की जा रही थी, अनेक रूप थे खड़ी बोली हिंदी के, लोग तरह तरह से, क्योंकि वो बोली थी उसको लोग तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते थे, उसका एक मॉडिफाइड रूप जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग था, उसमें एक रूपता लाने की कोशिश की गई, शुद्धिकरण करने का प्रयास किया गया, उसमें सरसता डालने की कोशिश की गई, और इन सारे प्रयासों में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका सफल रही। डॉक्टर हरदेव बारी का नाम सुना होगा, भाषा वैज्ञानिक है, हरदेव बारी कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने, इस लाइन को अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की, इस भाषा को खड़ी बोली को, ठीक है ये भी ध्यान रखना, यहां किस भाषा की बात की जा रही है ऐसा भी पूछा जा सकता है।
आजकल नए तरीके से फ्रेम होते हैं, इसलिए वो एक कोट दे देगा और उसके बाद यहाँ एक शब्द डाल देगा या डैश डैश लगा देगा और पूछेगा रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मैथिली शरण गुप्त ने भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने उसे प्रवाह दिया, स्नेही जी ने उसे प्रभावशाली बनाया, रूप नारायण पांडे, मनन द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय आदि ने उसका परिष्कार किया, उसमें शुद्धिकरण करने की कोशिश की तथा उस नई भाषा का प्रचार प्रसार करके आधुनिक हिंदी काव्य को सुदृढ़ किया। करेक्ट, ये वाली लाइन जो है वो अच्छे से याद रखना, ये बात खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में कही गई है। इसके द्वारा डॉक्टर हरदेव बाहरी के द्वारा किस तरीके से अलग अलग लोगों के प्रयासों से खड़ी बोली का एक रूप विकसित हुआ। और इन सब के पीछे जो आदमी खड़ा है, जो संस्था खड़ी है, वो है सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सब कुछ वो मॉनिटर कर रहे हैं। द्विवेदी युग में आकर ब्रज भाषा खड़ी बोली की सहायक बनने लगी। अभी तक वो खड़ी बोली थी, अब ब्रज भाषा इस खड़ी बोली की सहायक होने लगी। ये इंटरेस्टिंग चीज, एक भाषा एक बोली की सहायक बनती है, ऐसे में सिंपल सी बात है कि उस भाषा की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती है और वो जो बोली है उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बोली भाषा बन जाती है और वो भाषा बोली बन जाती है, और हुआ भी ऐसे ही। ब्रज भाषा धीरे 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 करके अपने पाठक क्षेत्र में कमी करती है, अपने प्रभाव में कमी लाती है और वो बोली बन जाती है एक सीमित क्षेत्र की, और खड़ी बोली जो अभी तक सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल होती थी वो एक भाषा का रूप ले लेती है अपने क्षेत्र विस्तार के कारण, अपने पाठकों की संख्या के कारण। ब्रज और अवधि का प्रभाव क्षेत्र कम हुआ और खड़ी बोली का प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसी वजह से वो भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित हुई। जो कवि अभी तक ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करने में लगे हुए थे वे भी अब खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे थे। क्यों, कारण क्या है? कुछ बड़े कवि जैसे हरिऔध जी, जैसे मैथिली शरण गुप्त इत्यादि ने रचना करके ये बात साबित कर दी कि खड़ी बोली में भी वो पावर है, वो सरसता है। अगर आप प्रयास करें तो खड़ी बोली में ज्यादा बेहतर तरीके से रचना की जा सकती है। खड़ी बोली की रचना को पाठक आसानी से समझ सकता है, एक मामूली पाठक भी उस रचना को जो है बड़े आराम से समझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खड़ी बोली में ऐसे शब्दों को जो है स्थान देने की कोशिश की गई जो हर क्षेत्र के शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको वहां पर हर एक क्षेत्रीय भाषा के शब्द देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारतीय भाषाओं के भी शब्द जो है खड़ी बोली हिंदी में देखने को मिलते थे, राजस्थानी के बहुत सारे शब्द, हरियाणवी के, पंजाबी के, हर भाषा के, हर क्षेत्र के शब्दावली को खड़ी बोली हिंदी जो है वो अपना रही थी। इस वजह से अब खड़ी बोली में रचना करना ज्यादा हितकारी था रचनाकारों के लिए, और रचनाकारों ने इस चीज को अपनाया भी। जो अभी तक ब्रज भाषा से बंधे हुए थे, ब्रज भाषा की सरसता से बंधे हुए थे, उनको प्रभावित कर दिया गुप्त जी ने और हरिऔध जी ने, और भी बहुत सारे लोग, श्रीधर पाठक का नाम भी है, रामनरेश त्रिपाठी का नाम भी इसमें है, खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी बार बार इस चीज को लेकर के आह्वान करते थे, उन्होंने भी जो रचनाएं लिखी उनके माध्यम से वो साबित करते हुए प्रतीत होते हैं कि खड़ी बोली में ज्यादा पोटेंशियल है ब्रज की अपेक्षा। आप एक बड़े पाठक वर्ग के साथ जुड़ते हैं और ब्रज में आप सीमित पाठक वर्ग के साथ जुड़ते हैं, इस वजह से लोग जो है ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली को अपनाने लगते हैं। क्लियर? काव्य रूप में विविधता, दो रूप है काव्य के, कौन कौन से दो रूप है? तो पढ़ चुके हैं हम पहले, काव्य रूप कौन कौन से दो? दृश्य रचनात्मक श्रव्य, विधात्मक, रचना विधान के आधार पे है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अच्छा इस तरह पूछ रहे हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इस युग में दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं हुई, प्रबंधात्मक रचनाएं भी हुई है और मुक्तक रचनाएं भी हुई।
प्रबंध के क्षेत्र, प्रबंध रचनाओं के क्षेत्र में इस युग के कवियों को ज्यादा सफलता मिली है। उसके पीछे कारण मैंने बताया था कि वो इतिवृत्तात्मकता का सहारा लेते, लेकिन हर एक को इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। जो कवि, ये राचरित हो गया, ये रामचरित, जो कवि इस कॉम्बिनेशन को ठीक ढंग से सेट कर पाए वे लोग इसमें सफल हुए। जैसे प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का, वैदेही वनवास, साकेत इत्यादि जो रचनाएं इस काल की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचनाएं। अब ये मैटर समझ में आया, यहाँ क्या लिखा है? महाकाव्य लिखा है, और जबकि यहाँ क्या लिखा है मैंने? प्रबंध और मुक्तक। क्यों? सर प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक सर मुक्तक और एक होता है सर, और एक प्रबंध काव्य सर, तो मुक्तक तो एक यहाँ है, खंड प्रबंध काव्य सर, एक खंड काव्य, एक प्रबंध काव्य। काव्य के दो रूप होते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये पढ़ाया जा चुका है एक्चुअली, क्यों? महाकाव्य और खंड काव्य सर, खंड करेक्ट, महाकाव्य और खंड काव्य, काव्य। ये किसके भेद है? प्रबंध काव्य के। और दोनों में ही सब कुछ पहले से निश्चित होता है, तय होता है, कितने अध्याय होंगे, किस किस चरित्र को किस अध्याय में उभारा जाएगा, ये सब कुछ तय होता है, प्रबंध होता है उसका एक मैनेज जो तरीके से जब कोई रचना लिखी जाती है। और फिर आगे मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है, क्यों एक रचनाकार महाकाव्य लिखता है, क्यों एक रचनाकार खंड काव्य लिखता है। जब जीवन के पूरे प्रसंगों को चित्रित करना होता है तब उसको महाकाव्य लिखना होता है, और जीवन के किसी एक प्रसंग को चित्रित करना होता है तब वो खंड काव्य लिखता है। ये सारी की सारी बातें डिस्कस की जा चुकी है पहले की एक क्लास में। और मुक्तक रचनाओं में कोई एक गीत, कोई एक पद, या फिर कोई एक छंद में कोई बात कहनी है, 1, 2, 5, 10 में, तो वो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है, ठीक है? जैसे बिहारी ने दोहे लिखे तो मुक्तक काव्य, करेक्ट? जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक, स्वप्न आदि प्रमुख खंड काव्य हैं द्विवेदी काल की। मुक्तक और गीत भी लिखे गए, परंतु ज्यादा सफलता किसको मिली? प्रबंधात्मक कृतियों को मिली। इसका रस जो है पाठक अच्छे तरीके से ले पा रहा था, क्योंकि अभी तक वो पुरानी साहित्यिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। रीति काल में, मध्यकाल की कोई भी कविता ले लीजिए, मध्यकाल के भक्ति काल को छोड़ दीजिए, रीति काल में और उसके बाद भारतेंदु काल में प्रबंधात्मक कृतियों का एक अलग ही माहौल था, लोग उसको ज्यादा पढ़ना पसंद करते थे, तो वो माहौल अभी तक बरकरार रहा है। इसको आगे चल करके छायावादी कवि क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कुछ हद तक द्विवेदी काल के कवि भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन पूरी सफलता इनको नहीं मिलती है। इस समय का मुक्तक काव्य उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि प्रबंधात्मक काव्य प्रसिद्ध हुआ, करेक्ट? मुक्तक रचनाओं के विषय सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे विषयों के आधार पर इनमें विविधता देखने को मिली, एक नवीनता देखने को मिली, और इसी वजह से हम इस काल के रचनाकार श्रीधर पाठक और पथिक जी को स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति के रचनाकार ठहराते हैं, खुद रामचंद्र शुक्ल सर इस बात को कहते हैं। हाँ, सर ये रामचरित चिंतामण क्या है सर? ये ये भी एक रचना है, प्रबंधात्मक कृति है, रामचरित इसके चिंत सर रामचरित चिंतामणि। ये भी याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। रामचरित उपाध्याय की क्या सर? जी जी रामचरित हाँ, उपाध्याय। ओके ओके करेक्ट करेक्ट। हाँ, उनके और भी रचनाएं जैसे देवदूत है, एक द्रौपदी को लेकर के कुछ लिखा द्रौपदी है गया। सर, हाँ, द्रौपदी ना आगे पीछे कुछ और है उसमें, देवी द्रौपदी सर। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, देवी द्रौपदी, ये राष्ट्र भारती हाँ, ये बाकी सर एक सब प्रश्न पूछना था। खंड काव्य है। रामचरित चिंतामणि जो है वो प्रबंध काव्य है, राम है, ठीक है? यहाँ पे रामचरित चिंतामणि, बाकी सबके रचनाकार तो आप जानते ही हैं, वैसे किसी के रचनाकार का डाउट नहीं होगा। धीरे धीरे इस काल में मुक्तकों के विषयों को लेकर के भी एक विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग विषयों पर, छोटे छोटे विषयों पर जो है रचनाकार रचनाएं करते हैं। और इसके पीछे कारण जानते हैं आप? दूसरी तरफ गद्य में
ऐसे ऐसे विषयों पर निबंध इत्यादि रचनाएं लिखी गई, बहुत छोटे सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों पर। जैसे आपको पता होगा, नाक पे, सिर्फ नाक पे, कान पे, भौहों पे, आंख पे, इन चीजों पर भी अच्छे खासे निबंध लिखे गए थे। इसका प्रभाव इस तरफ पड़ता है काव्य में भी, और छोटे छोटे विषयों पर रचनाएं देखने को मिलती है। पहली दफा ऐसा कौन करते हैं? श्रीधर पाठक करते हैं। और उधर गद्य में भी ये प्रभाव पाश्चात्य लेखकों की वजह से आता है, विशेष तौर से निबंधों में। और इधर काव्य में भी ये प्रभाव जो है, अगर सीधे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, पहला रीजन तो है गद्य, और फिर दूसरा इनडायरेक्ट रीजन क्या बन जाता है? पाश्चात्य लेखक, क्योंकि लोग पढ़ने लगे थे और भारत में ऐसा माहौल हो गया था खड़ी बोली हिंदी के, हिंदी को लेकर के, उसके साहित्य को लेकर के, कि इस तरीके के विषयों पर जो रचनाएं लिखी जाती थी उनको थोड़ी तवज्जो इज्जत मिलने लगी थी। उनका एक पाठक वर्ग था जो इन पे बात करता था, जो इनकी समीक्षा किया करता था, जिन जो बैठकों में नियमित रूप से इस प्रकार की रचनाएं जो नवीन विषयों को लेकर के थी उन पर चर्चाएं करने लगा था। इस वजह से पाठक जैसे रचनाकार का ध्यान जो है इस तरफ जाता है, और वो भी ऐसे नवीन विषयों, ऐसे स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति के विषयों को अपने काव्य का विषय बनाते हैं। करेक्ट। इस काल की काव्य शैलियां और छंद, विभिन्न प्रकार की काव्य शैलियां अपनाई गई। कुछ लोग अपने पुराने तरीके से काव्य रचनाएं कर रहे थे पुरानी शैलियों के आधार पर, और कुछ लोग जो है नवीन शैलियों को महत्व दे रहे थे, जैसे गोपाल सिंह, गोपाल शरण सिंह आदि पुराने ढंग के और नई शैली के मुक्तक लिख रहे थे। मतलब इनमें नई और पुरानी दोनों शैलियों का मिश्रण है। दूसरी तरफ उपाध्याय जी और गुप्त जी प्रबंधात्मक शैली को ज्यादा महत्व दे रहे थे। इस तरफ श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी जो है वो खंड काव्यों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे खुद द्विवेदी जी मुक्तकों को ज्यादा महत्व देते थे, छोटे छोटे मुक्तक लिख करके और वो प्रकाशित किया करते थे। ऐसे और भी कवि हैं जो इस समय मुक्तकों के रचनाकारों के रूप में जो है सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित किए जाते रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों प्रकार की काव्य शैलियां, प्रबंधात्मक और मुक्तक काव्य शैली, दोनों को इस युग में बराबर तवज्जो दी गई, लेकिन ज्यादा पसंद कौन सी की गई? प्रबंधात्मक। रीजन क्या है? खड़ी बोली में प्रबंधात्मक काव्य रचना अच्छे तरीके से उभर के आई, जनमानस के पटल पर उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रभाव छोड़ा। लोगों के लिए भारत भारती उस समय महाभारत गीता जैसा ग्रंथ बन गया। छोटे छोटे बच्चों को भी भारत भारती के कई पद उनको मुख जबानी याद रहने लगे थे। वो कहीं पर भी खड़े खड़े उन पदों को पदों का वाचन कर सकते थे एक दो बार सुनने से। वो जो एक नया प्रभाव था खड़ी बोली हिंदी का प्रबंधात्मक काव्य रचना के कारण, उस प्रभाव के कारण द्विवेद युग में प्रबंधात्मक काव्य रचनाओं को अपनी एक विशिष्ट पहचान मिली, और इसमें सबसे बड़ा नाम है मैथिली शरण गुप्त का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। गीति शैली के काव्यों का भी यहाँ पर सृजन हुआ है। काव्य के कलेवर के निर्माण में स्वच्छंदता से काम लिया गया, मतलब विषयों को लेकर के इस समय का रचनाकार थोड़ा सा सावचेत होने लगा है। पुरानी परिपाटी के विषयों को छोड़कर अब वो नए तरीके के विषय अपनाने की तरफ उन्मुख हुआ है। इसी वजह से जो है छोटे छोटे और जो जिन पर कवियों का ध्यान कभी नहीं गया, ऐसे विषयों पर भी कविताएं लिखी जाने लगी। निबंध इत्यादि तो भारतेंदु काल में लिखे गए थे, वो उससे पहले लिखे जा चुके थे, लेकिन अब कविता का विषय भी जो है ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो बनने लगी थी। तो गीति शैली का भी विकास हुआ है, काफी मात्रा में जो है साहित्य सृजन हुआ है। स्वच्छंदता के साथ में इस समय के रचनाकारों ने जो अपने आप को गीति काव्य में उपयुक्त माना, और उसका वो उन्होंने बखूबी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया है। छंदों को अपनाने की अलग ही प्रवृत्ति है। कुछ ऐसे रचनाकार है देखने को मिलेंगे आपको जो पुरानी छंद वृत्तियों पर अपना साहित्य रचते हैं, पुराने छंदों को महत्व देते हैं, लेकिन प्रधानता उन लोगों की है जो नए तरीके के छंद, जो रीतिकाल में भी बिल्कुल आधुनिकतम छंद थे, उनको वो
ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे हरिगीति का छंद का काफी अच्छे से इस्तेमाल मध्यवेदिकालीन कवियों ने किया है, और हरिगीति का को भी बिगाड़ करके कुछ कवियों ने एक ऐसा छंद बनाने की कोशिश की गई जिसमें प्रवाह है लेकिन उसकी मात्राओं में हेर फेर है। किसी कवि के यहाँ पर अलग मात्राएं, किसी में दो गुरु बढ़ा दी गई है, किसी में दो लघु कर दी गई है। ऐसा एक प्रवाह वाला छंद भी जो है इस काल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, काफी कवियों ने उस छंद को भी अपनाया। कुल मिलाकर प्रवाह को जरूर ध्यान में रखा है कि वो जो जिस विषय पर रचना कर रहे हैं वो प्रवाहमान हो, उसकी कविता रुके नहीं, उसकी कविता में उस छंद की वजह से कोई बाधा ना आए ना। जो छंद की आंतरिक चीज होती है प्रवाह, उस प्रवाह को इन कवियों ने टारगेट किया है, भले ही छंद कोई सा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादातर आधुनिकतम छंदों का इस्तेमाल द्विवेदी काल के कवि करते हैं। पुराने छंदों को भी महत्व दिया है लेकिन आधुनिक छंदों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हरिगीति का छंद का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। करेक्ट। इस काल का अनुवाद कार्य, भारतेंदु युग में ये परंपरा शुरू हो चुकी थी। खुद भारतेंदु ने बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद किए, भारतेंदु मंडल के अन्य रचनाकारों ने अनुवाद कार्य में अपना जो है ध्यान लगाया, कई श्रेष्ठ काव्यकृतियों का अनुवाद जो है अच्छे तरीके से किए। कुछ के भाषा अनुवाद है, कुछ के भावानुवाद भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ऐसी रचनाएं जो अंग्रेजी की हैं उनके ट्रांसलेशन किए गए खड़ी बोली हिंदी में, दूसरे स्थान पर वो रचनाएं आती हैं जो बांग्ला से होती हैं उनके अनुवाद किए गए, तीसरे स्थान पर वो रचनाएं आती हैं जो संस्कृत की थी उनके अनुवाद किए गए। इस प्रकार से संस्कृत, बांग्ला, अन्य भारतीय भाषाएं और सबसे ज्यादा अंग्रेजी, अंग्रेजी की बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद इस समय किए गए। श्रीधर पाठक ने कई रचनाएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, जैसे ग्रे की एक रचना है सेफर्ड एंड फिलोसफर, रचनाकार कौन है, ग्रे, सेफर्ड एंड फिलोसफर को गडरीय और दार्शनिक नाम से अनुवादित किया, सेफर्ड गडरीय को बोलते हैं। और गोल्डस्मिथ की दो कृतियां, एक हर्मिट, हर्मिट को एकांतवासी योगी के नाम से ट्रांसलेट किया, और डेजर्टेड विलेज को उजड़ गांव के नाम से अनुवादित किया। लेकिन डेजर्टेड विलेज यानी कि उजड़ ग्राम जो है उसकी भाषा कौन सी है, ब्रज है, ब्रज, ये ध्यान रखना, उजड़ गांव, ब्रज, उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में, और एकांतवासी योगी की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली, इसको ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। और एक रचनाकार है और सॉरी तीसरी एक रचना है गोल्डस्मिथ की ही, ट्रेवलर, ट्रेवलर को श्रांत पथिक के नाम से अनुवादित किया, और ये भी किस में है, खड़ी बोली। एक रचना है उजड़ गांव, वो ब्रज में है, ये ध्यान रखना, बाकी लगभग खड़ी बोली में। और कालिदास की रचना है ऋतु संहार, ऋतु संहार को इसी नाम से अनुवादित किया है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में, अनुवाद का कार्य किया। आप विशेष तौर से खड़ी बोली वाली रचनाओं को ध्यान में रखें, बाकी वाली को छोड़ दीजिए, बाकी वाली को ब्रज के तौर पे याद कर लीजिए कि इसके अलावा जो कुछ मुझे याद नहीं है वो ब्रज भाषा में, दो है ब्रज भाषा में, एक तो कालिदास की ऋतु संहार है और दूसरा गोल्डस्मिथ की डेजर्टेड विलेज है, ये दो रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में, बाकी खड़ी बोली हिंदी में। क्लियर। आगे चल करके हम जो है जब अलग से पढ़ेंगे श्रीधर पाठक को, तो उस समय इनकी और जो रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं और अनुवादित रचनाएं, उनके बारे में भी बात करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कई संस्कृत ग्रंथों का और अन्य भारतीय भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद इस समय खड़ी बोली में किया है, जैसे उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किया है और राजा भर्तृहरि
धरित्री की रचना वैराग्य शतक, वैराग्य शतक का भी उन्होंने अनुवाद किया है, अलग अलग छंदों में अनुवाद किया है। और पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का उन्होंने अनुवाद किया है, गंगा लहरी के नाम से ही, और ऋतु संहार का भावा अनुवाद किया एक तरीके से, ऋतु तरंगिणी के नाम से, ठीक है। तो अनुवाद कार्य भी भारतेंदु